पटना की नंबर वन कंपनी डेलकन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के सबसे प्रीमियम साइट के ऊपर यानी कि वेस्ट पार्क के ऊपर। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में ए टू जेड चीज़ बताऊंगा कि इस लोकेशन की क्या क्या खासियत है और यहाँ प्लॉट्स कैसे कैसे हैं और इस सोसाइटी में आप क्यों इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस लोकेशन में क्या क्या प्राइमरी है, सारी चीज़ मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रोड से। तो ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आपका 30 फीट का रोड है जो कि दो हाईवे के बीच को कनेक्ट करता है। एक NH30 जो कनपा की तरफ जाता है उसको कनेक्ट करता है, एक आपका ये नवतपुर हाईवे जो NH139 है उसको कनेक्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है टाउनशिप की ये दो हाईवे के बीच की प्रॉपर्टी है। तो अब जानते हैं थोड़ा इसका एंट्रेंस वगैरह सारी। तो ये हो गया हमारा दोनों हाईवे, एक तरफ से नवतपुर जा सकते हैं, एक तरफ से बेटा होते हुए IIT होते हुए जा सकते हैं। तो दो हाईवे के बीच का ये जमीन हो गया। उसका एंट्रेंस गेट आपका यहाँ पे पड़ेगा जो कि अभी 32 फीट का एंट्रेंस कंपनी दे रही है। तो आगे चलते हैं और थोड़ा सी चीज़ों को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग 40 से 50 मीटर अंदर आए, आप देख सकते हैं वो रोड से अंदर आए, ये पूरा रोड जो अभी है ना, ये कंपनी ऑलमोस्ट एक से डेढ़ महीने में इसको पूरा पिचिंग वगैरह की है और ये जस्ट हमारा साइट आपको मार्च में लॉन्च हुआ है और 280 प्लॉट्स के साथ आया था और अभी तकरीबन इसके 150 से प्लस प्लॉट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। रीज़न इसकी लोकेशंस है और क्या क्या चीज़ें हम ए टू जेड चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा, आगे हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या हम लोग दे रहे हैं। तो जस्ट हम लोग प्लॉट से अंदर आए अपने एंट्रेंस रोड से और ये जो हमारा एरिया पड़ता है ना टाउनशिप का, ये हमारा कमर्शियल एरिया पड़ रहा है जहाँ पे हमारी दुकानें होंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर एक बार थोड़ा सा सारे दर्शकों को दिखा दीजिए कहाँ से हमारा बिल्डिंग किया हुआ है, कैसे कैसे हम लोगों ने ज़मीन एक्वायर की हुई है। इधर सर देख लीजिए, ये हमारा सारा कमर्शियल एरिया स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद से जहाँ तक आप लोग वहाँ पे देख रहे होंगे, सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर थोड़ा इसको जूम कर सकते हैं, वहाँ तक जितना भी फैला पड़ा ना सर, ये हमारा 25 बीघे में ये आपका सोसाइटी आया, वेस्ट पार्क, ये रेसिडेंशियल एरिया हमारा इधर से स्टार्ट होता है, ये आगे हम लोग फ्रंट का कॉमर्शियल एरिया दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ के साथ ना हम लोग प्लॉट्स ला रहे हैं, जैसे कि मिनिमम आपके घर के सामने 23 फीट का रोड होगा, बिजली, पानी, सिक्योरिटी गार्ड, एंट्रेंस, सब सारी चीज़ दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग सोसाइटी डेवलप करते हैं तो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा हाईटेक टाउन सिटी का मैंने वीडियो डाल रखा है। इससे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट रखा है ना उसका आप वीडियो जाके आई बटन से देख सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं वेस्ट पार्क पे। तो यहाँ से हम लोग का रेजिडेंशियल के लिए एंट्रेंस होगा, फिर हम लोग आगे चल के थोड़ी दूर पे 25 फीट के रोड से आगे जाएंगे तो हम लोग का फाउंटेन है, फिर उसके आगे हम लोग 9000 स्क्वायर फीट में एक पार्क दे रहे हैं और एक मेडिटेशन हॉल भी दे रहे हैं, जैसे कि लाइक आपका बुद्धा पार्क में है वैसा ही मेडिटेशन हॉल हम लोग इस सोसाइटी में भी दे रहे हैं। फिर उसके जस्ट आगे हम लोग एक किड्स के लिए एक स्पोर्ट्स गार्डन भी दे रहे हैं जो कि आपका 7400 स्क्वायर फीट में फैला होगा। तो काफ़ी प्रीमियम साइट ये हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर आपको इंक्वायरी करने इस प्लॉट के लिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी ये तो हो गई हमारा जो अभी डेढ़ महीना दो महीने में जो हम लोगों ने डिमार्केशन किया, ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें वो मैंने बताया। अब इस लोकेशन में आप इन्वेस्ट क्यों करेंगे ना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब इस लोकेशन को देखते हैं कि ये लोकेशन की प्राइमरी क्या। तो जैसा कि प्लॉट्स देख लिए, अब लोकेशन थोड़ा सा समझते हैं। तो जस्ट आप देख रहे हैं ये हमारा जो एंट्रेंस दे रहा है कंपनी, एंट्रेंस रोड पे अभी हम लोग हैं, जस्ट उसके सामने एक स्कूल देख रहा होगा जो कि बेटा का काफ़ी पॉपुलर स्कूल है, न्यू एरा पब्लिक स्कूल। सर इसको जूम करके आप दिखा सकते हैं और अभी हम वहाँ पे चलेंगे रोड पे भी और सारी चीज़ें देखेंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारे साइट के एकदम जस्ट सामने है, गेट खोलिए और सामने स्कूल, ये है हमारी साइट की सबसे प्रीमियर चीज़। तो ये रहा हमारा एरा पब्लिक स्कूल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10+2 एफिलेटेड स्कूल है और जस्ट हमारे टाउनशिप के सामने है। और सिर्फ यही नहीं, एक और भी स्कूल्स हमारे टाउनशिप के सामने है जो कि काफ़ी बड़ा स्कूल है, वो देखिए सर, सर लोग को थोड़ा सा दिखाइए, न्यू पाटलिपुत्रा सेंट्रल पब्लिक स्कूल, अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे, जस्ट चार कदम आगे वो स्कूल हो गया। आइए सर थोड़ा दिखाते इसको। ईरा पब्लिक और न्यू पाटलिपुत्रा पब्लिक स्कूल में एक और जो ज़मीन आपको खाली दिख रही होगी जिसमें भी डीमार्केशन हुआ है, ये भी एक सोसाइटी वाले का ही ज़मीन है।
तो एक वहाँ सोसाइटी, एक इधर सोसाइटी, और इस लाइन में जितने भी है ना सारे सोसाइटी वालों का ही जमीन है। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। आइए सर, हम खड़े हैं पाटलिपुत्रा है पब्लिक स्कूल के सामने, जो कि प्लस टू है, और इसका ऑल ओवर बेटा कनपा विक्रम ले लीजिए आप, ये 3-4 एरिया का कवर करता है। बस का मतलब ही होता है 10+ किलोमीटर का एरिया को कवर करना, तो ये इसके 11 बसेस चलते हैं ऑल ओवर बेटा में, विक्रम में। तो आप जानते हैं ये काफ़ी बड़ी स्कूल है इस एरियाज की, और इसका मेन ब्रांच आपका अनिशाबाद बेओर में है, ईरा पब्लिक का राजेंद्र नगर में है। तो ये सब काफ़ी सेटल्ड स्कूल है और काफ़ी बड़ी स्कूल है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ सर, आप थोड़ा सा कैमरा को इधर कीजिएगा, ये देखिए ये एक और टाउनशिप का बोर्ड है प्रयास होम्स का। तो एक वहाँ पे हमारा डेलकन होम्स का हो गया, फिर एक मधुबनी सिटी प्रयास होम्स, और सिर्फ दो ही स्कूल नहीं, इस एरिया में एक और स्कूल है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि अभी इनिशियल फेज पे है और बनना स्टार्ट होगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आप जिस एरिया में लेने जा रहे हैं ना उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगी ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए थोड़ा और देखते हैं। तो सर देखिए जस्ट हमारे सामने पाटलिपुत्रा सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, थोड़ा सा सर लोगों को भी दिखाइए पाटलिपुत्रा सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जिसके सामने हम लोग 4 कदम चल के आए तो ये बाउंड्री किया हुआ आपको दिख रहा है। तो ये बाउंड्री किस चीज़ की है ये भी ज़रा मैं बताता हूँ, सर थोड़ा सा आगे आइएगा। ये देखिए द गुरुकुल अंडर CBSE सर्कमस्टांसेस स्कूल्स, यानी कि यहाँ पे एक तीसरा स्कूल जो और बनने वाला है गुरुकुल स्कूल। तो आप समझ सकते हैं कि आपका ज़मीन अगर 3 स्कूल्स के सामने है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। और इस एरिया में आपको दिखाता हूँ एक और टाउनशिप्स है जो कि साई डेवलपर्स के नाम से है, और वो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये भी एक टाउनशिप ही है जो कि आपका हाईवे रेसिडेंसी के नाम से है। तो एट द एंड मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस एरिया में 5-6-7 टाउनशिप्स हो, 3-4 स्कूल्स हो, उसकी आने वाली फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ना, ये आई डोंट थिंक सो सर कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत होगी। तो ये काफ़ी प्रीमियम साइट हम लोग का है, काफ़ी फ्यूचर फीचर्स के साथ हम लोग इसको अपग्रेड करके ला रहे हैं, और ऐसे लोकेशंस में, ऐसे एरिया में जो कि 2 हाईवे को कनेक्ट करता है, 6-7 टाउनशिप्स वाले ज़मीन एक साथ हैं, 3 स्कूल्स है, और काफ़ी BSF का हेडक्वार्टर इसके जस्ट पीछे बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन एरिया ये फ्यूचर में, बेहतरीन एरिया ये आपको फ्यूचर में 4-5-6 साल के बाद देखने को मिल जाएगा। लाइक जैसे सगुना मोड़ था ना, उससे ज़्यादा अपग्रेड ये हो करके आपको मिलेगा, क्योंकि आप जान ही रहे कि फ्यूचर में क्या बेटा की डेवलपमेंट होने वाली है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ प्लॉट्स बड़े ही लिमिटेड होते हैं क्योंकि हमारी कंपनी ब्रांडेड है। तो जल्दी से कॉल करें अगर आपको बुकिंग करानी है, तो जल्दी से कॉल करें और मुझे जाने कि कैसे पेमेंट मोड है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें साइट से कैसे हम लोग विजिट कर सकते हैं, तो उसके लिए कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करें, तब तक के लिए नमस्कार।